दोस्तों आज हम बात करेंगे 1978 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बारे में। इस फिल्म ने हमें एक से बढ़कर एक गाने दिए, जैसे कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, दिल तो है दिल, ओ साथी रे, प्यार जिंदगी है और सलामे इश्क। इन गानों का क्रेज जबरदस्त था। ये इतने ज्यादा सुपर डुपर हिट हुए थे कि आज भी सुने जाते हैं। इसमें लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा और अमजद खान। इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी जबरदस्त थी, जिनमें से हैं निरूपा रॉय, श्री राम लागू, कादर खान, रंजीत, गोगा कपूर, राम सेठी, मनमोहन कृष्ण और मयूर राज वर्मा। इस आइकॉनिक फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म में सभी आर्टिस्ट ने जबरदस्त काम किया था, खास करके रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री तो जबरदस्त थी। उनकी केमिस्ट्री देखकर जया बच्चन भी इनसिक्योर हो गई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा का एक लव सीन था, जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन इस सीन को देखकर जया बच्चन का दिल टूट गया था। दरअसल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और इस स्क्रीनिंग पर बच्चन की पूरी फैमिली पहुंची हुई थी। जया बच्चन आगे की लाइन में बैठी थी और रेखा प्रोजेक्शन रूम में बैठी थी और वो जया बच्चन को देख सकती थी। और इस बात का जिक्र उन्होंने स्टार डस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी किया था। इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम नहीं किए। हालांकि काफी समय बाद ये सिलसिला में एक साथ नजर आए, जिसमें जया बच्चन भी थी। जिस वक्त फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई उस वक्त रेखा विदेश में थी, जिसकी वजह से रीना रॉय को फाइनल कर लिया गया। और इस बात का पता जब रेखा को लगा तब वो तुरंत विदेश से वापस आ गई और उन्होंने अपनी शूटिंग स्टार्ट की। हालांकि प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को किसी और फिल्म में लेने का वादा किया और उन्होंने रीना रॉय को फिल्म ज्वालामुखी में कास्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स पहले विनोद खन्ना की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में मेकर्स को लगा कि इस रोल के लिए किसी ऐसे आर्टिस्ट को कास्ट करना चाहिए जिसकी अमिताभ बच्चन से बॉन्डिंग अच्छी हो, और फिर एंट्री हुई विनोद खन्ना की। इस फिल्म में मास्टर मयूर ने अमिताभ बच्चन के बचपन का कैरेक्टर प्ले किया था। उस समय मास्टर मयूर हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट थे। सीन शूट के दौरान बिग बी ने विनोद खन्ना को किया था लहूलुहान। फाइट सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी, अमिताभ बच्चन को ग्लास उठाकर विनोद खन्ना की तरफ फेंकना था। जैसे ही प्रकाश मेहरा ने एक्शन बोला, बिग बी ने जोर से ग्लास विनोद खन्ना की तरफ फेंका, लेकिन विनोद खन्ना सही टाइम पर झुक नहीं पाए और ग्लास जाकर सीधा विनोद खन्ना के फेस पर लगा और वो लहूलुहान हो गए। वो इतने जख्मी हो गए थे कि उनको 16 टांके लगे थे फेस पे। हालांकि ये देखकर अमिताभ बच्चन बहुत घबरा गए थे और उन्होंने विनोद खन्ना से बहुत माफी मांगी थी। इस घटना के बाद लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि विनोद खन्ना उस समय काफी पॉपुलर थे और बिग बी उनकी पॉपुलैरिटी से जलते थे, इसलिए बिग बी ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन ये अफवाह जब विनोद खन्ना तक पहुंची तब उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को ऑडियंस का बहुत प्यार मिलता था, लेकिन इन दोनों की एक साथ ये आखिरी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने एक साथ कई फिल्में की थी। इस फिल्म के डायलॉग्स जबरदस्त थे और इसके डायलॉग राइटर थे कादर खान। फिल्म में एक सीन है जहां पर अमिताभ बच्चन मंच पर चढ़कर भाषण देते हैं। इस सीन के डायलॉग्स 16 पन्नों के थे। जब अमिताभ बच्चन ने ये डायलॉग्स देखे तब उन्होंने डायरेक्टर से तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे डायलॉग्स मैं याद नहीं कर पाऊंगा। तब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने कादर खान को बुलाया और कादर खान को कहा कि तुम अमिताभ बच्चन को जाकर समझाओ कि डायलॉग्स के मीनिंग क्या हैं। तब कादर खान ने अमिताभ बच्चन को डायलॉग्स के मीनिंग समझाए। डायलॉग्स के मीनिंग सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान हो गए और उन्होंने कादर खान को गले से लगा लिया, और जैसा सीन में लिखा था वैसा परफॉर्म करने के लिए अमिताभ बच्चन रेडी हो गए। राम सेठी ने फिल्म में प्यारे लाल का रोल प्ले किया था, लेकिन इस रोल के लिए पहले असरानी फाइनल थे, लेकिन शूटिंग वाले दिन भारी बारिश के कारण असरानी किसी और फिल्म के सेट पर फंस गए और वो सही समय पर सेट पर नहीं पहुंच पाए। राम सेठी उस वक्त प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट थे। उन्होंने राम सेठी से कहा कि ये रोल तुम प्ले करो।
और राम सेठी ने इस कैरेक्टर को यादगार बना दिया। इंटरनेशनल म्यूजिशियन और कंपोजर पॉल मैरियट ने अपने इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम क्लियोपेट्रा के लिए मुकद्दर का सिकंदर के गाने ओ साथी रे का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन तैयार किया था, जो कि 1980 में रिलीज हुआ था। फिल्म के गाने दिल तो है दिल में कई शॉट के लिए बॉडी डबल का यूज किया गया था। इसी गाने में राखी और अमिताभ बच्चन बर्फ में दिखाई देते हैं, जो कि मुंबई के स्टूडियो में शूट हुआ था। प्रकाश मेहरा इस फिल्म में पद्मिनी कपिला को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहती हैं। मुकद्दर का सिकंदर का बना था रेडियो प्रोग्राम। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के नाम यानी कि मुकद्दर का सिकंदर नाम से एक रेडियो प्रोग्राम बनाया था, जिसमें सुरेश ओबेरॉय अपनी आवाज में फिल्म के डायलॉग्स बोलते थे। और इसका एक अलग वाइनल रिकॉर्ड जारी किया गया था, जिसका नाम भी मुकद्दर का सिकंदर ही रखा गया था। फिल्म 1917 में आई बंगाली उपन्यास देवदास से काफी इंस्पायर्ड थी और फ्रेंच नाटक साइरानो डी बर्जरैक से भी। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अमेरिकन एक्टर ग्रेगरी पैक की फिल्म पिरामिड से भी काफी इंस्पायर्ड थी। मुकद्दर का सिकंदर 1978 में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। सोवियत संघ में भी ये फिल्म विदेशी ब्लॉकबस्टर थी। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इस फिल्म को 9 नॉमिनेशंस मिले थे, लेकिन फिल्म में एक भी अवार्ड नहीं जीता। मुकद्दर का सिकंदर इतनी बड़ी हिट थी कि इसका तेलुगु और तमिल रिमेक भी बना था। तेलुगु में इसका नाम था प्रेमा तरंगलु, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, और तमिल में इसका नाम था अमारा काव्याम, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। अब आइए जानते हैं फिल्म का कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया था। मुकद्दर का सिकंदर में म्यूजिक कल्याण जी और आनंद जी ने दिया था। इसके लिरिसिस्ट है अनजान और प्रकाश मेहरा। फिल्म के हिट गाने रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा और ओ साथी रे, ये गाने किशोर कुमार ने गाए थे। ओ साथी रे का फीमेल वर्जन आशा भोसले ने गाया था और रोते हुए आते हैं सबका सैड वर्जन मोहम्मद रफी ने गाया था। सलामे इश्क किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। दिल तो है दिल को भी लता मंगेशकर ने गाया था। वफा तो ना की गाना हेम लता ने गाया था। गाना प्यार जिंदगी है ये गाना भी बहुत हिट हुआ था और इसे महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने मिलकर गाया था। अब बात करते हैं फिल्म के क्रेडिट्स की, तो डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था प्रकाश मेहरा ने। राइटर हैं कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा। म्यूजिक दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने। फिल्म रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1978 में। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 27 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। बाय बाय।